आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में आईफोन की कॉलिंग स्क्रीन कैसे लगाएंगे। आपके फ़ोन में जो अभी गूगल डायलर देखने में आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो आईफोन की स्क्रीन आईफोन का डायलर लगाना, तो गाइज इस वीडियो में बने रहिए। आप सभी को प्रॉपर सेटिंग बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप और करके दिखाने वाला हूँ इस फ़ोन के अंदर। ये मेरा रेडमी का फ़ोन है और इसमें मैं करके दिखाऊंगा आप सभी को, और आप अपने किसी भी एंड्रॉयड में ये सेटिंग कर सकते हो, सिंपल सा स्टेप्स होंगे। और गाइज अगर आपको वीडियो कहीं भी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। सबसे पहले क्या करना है, अपने फोन के प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाकर यहां पे सर्च करना है ट्रू फोन, ये वाली एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन की आप रेटिंग देख सकते हो 4.3 की है, 2 लाख रेटिंग रिव्यू हो चुका है, और इसकी जो डाउनलोड्स है वो 1 करोड़ से ऊपर के इसके डाउनलोड्स हैं। सो गाइस इसमें जो रेटिंग आप खुद भी पढ़ सकते हो, बहुत शानदार रेटिंग दी है लोगों ने यूज़ करके, और काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। और सिंपल ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल होने के बाद आप सभी के सामने इसको ओपन करता हूँ मैं, सिंपल ओपन पे क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे इसको कुछ परमिशंस देनी पड़ेगी क्योंकि ये डायलर आपके फ़ोन में यूज़ होने वाला है प्रॉपर तरीके से। सो गाइस सिंपल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसको पहले करना है, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे परमिशन मांग रहा है कि आपके कॉन्टैक्ट के लिए, तो गाइस आप इसके लिए कोई इसमें कोई हानिकारक या फिर कोई डेटा चोरी का टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। सो गाइस सिंपल अब क्या करना है, सेट MU करके ओके कर देना है। तो यहाँ पर आके अब यहाँ लॉक स्क्रीन अप डिस्प्ले ये सब अलाउ करना है आप सभी को। तो गाइज़ यहाँ पे आके अदर परमिशंस में जाके इनको अलाउ कर लेना जो हो रखे हैं, और पॉपअप वाले को भी अलाउ कर देना है। यहाँ पे मैंने इनको यहाँ पे अलाउमेंट दे दिया अब सबको। उसके बाद आपको क्या करना है, अब बैक आ जाना है। अब बैक आना है और सिर्फ सब कुछ कट करके वापस से अपना एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं उस वाले को। उसके बाद आप सभी को कुछ ऐसा इंटरफेस इसका देखने को मिल जाएगा। अब इसकी कुछ नॉर्मल सी सेटिंग्स है वो मैं आप सभी को बता दूं। तो नीचे के साइड यहाँ पे 3 डॉट्स में आना है आपको, और यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। तो सेटिंग में आते ही आप सभी को इसकी पूरी सेटिंग आप सभी के सामने खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ अपीयरेंस में जाइएगा तो यहाँ थीम दिख जाएगा, डायलर पैड दिख जाएगा। आप अपने हिसाब से इसकी प्रॉपर सेटिंग कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगा के अच्छे से इसकी सेटिंग करोगे तो आपका जो डायलर होगा एकदम प्रीमियम लुक देने लग जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आते तो इनकमिंग कॉलिंग स्क्रीन दिखेगी। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो आईफोन की कॉलिंग स्क्रीन आप सभी को यहाँ पर इनकमिंग वाली देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप फोटो किस तरीके से आपकी दिखे वो सेट कर सकते हो। आप यहाँ पे आंसर स्टाइल दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी फ़ोन का लगा सकते हो अपने हिसाब से कॉलिंग स्क्रीन। यहाँ गूगल का कॉलिंग स्क्रीन कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे आसूस और भी बहुत सारे फ़ोन हैं आप सभी देख सकते हो। तो यहाँ पे आईफोन क्लिक करके मैं यहाँ बैक आ जाता हूँ। बाकी और सेटिंग्स से आप इसको ढंग से देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक दे सकते हो अपने डायलर को और इनकमिंग कॉलिंग स्क्रीन को। तो गाइज यहाँ पर ये हो चुका है इसकी सेटिंग, अब यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब क्या है कि अब दूसरे फ़ोन से यहाँ पर हम करेंगे कॉल। सो गाइज अब मैं इस फ़ोन पे सेटिंग कर चुका हूँ, अब मैं अपने इस फ़ोन से इस पे कॉल करता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मैंने डायल कर दिया है। अब ये देखिए मेरे यहाँ पे जो कॉलिंग टाइप देख सकते हो आप, यहाँ पे पॉपअप आ रहा है। उसके बाद जो इसके फुल स्क्रीन आपकी जब लॉक होगा फ़ोन, तो इस तरीके से आने वाला है आईफोन। अगर मैंने यहाँ फ़ोटो लगाई होती जैसे आपका लुक दिख रहा था वैसे शो करता फ़ोटो। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमको यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना।